नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओपी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचती रहे। पूछताछ के दौरान पी चिदम्बरम बोले, मैं सारी फाइलें नहीं पढ़ता था, अगर कुछ गलती हो जाए तो अधिकारी जाने। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से सीबीआई की पूछताछ जारी है, पूछताछ में कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं। इस बीच सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ के दौरान पी चिदम्बरम ने नौकरशाहों पर ठीकरा फोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक पी चिदम्बरम ने पूछताछ में कहा, मेरे नीचे एफआईपीबी के डिवीजन थी जिसमें लगभग 7 से 8 आईपीएस अधिकारी थे, वे सभी अपने काम में बहुत निपुण थे, वही लोग सारी फाइलें देखते थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं सारी फाइलों को पढ़ सकूं, मैं उनकी सिफारिशों पर विचार करता था। दुबई पहुंचे पीएम मोदी का क्राउन प्रिंस ने किया स्वागत, आज यूएई की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं जहां वह शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन अल नहान ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा के दूसरे चरण के तहत पेरिस से यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। यूएई में आज प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ जायद दिया जाएगा, इसकी अप्रैल में घोषणा की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बनी फिल्म गुमनामी को लेकर के विवाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बन रही फिल्म गुमनामी को लेकर के उनके परिवार के सदस्यों ने सख्त आपत्ति जताई है। यह फिल्म राष्ट्रीय अवार्ड विजेता श्री जीत मुखर्जी ने बनाई है। गुमनामी दुर्गा पूजा की छुट्टी में बंगाल के थिएटर में रिलीज हो सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपोत्र और जाने माने इतिहासकारविद सुगातो बोस ने कहा है कि इस फिल्म के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। केजरीवाल सरकार देगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की पूरी फीस, छात्रों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली की सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को सीबीएसई परीक्षा की फीस आप सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दिया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी छात्रों से बोर्ड की फीस न ले। आपको बता दें कि सीबीएसई ने एससी और एसटी वर्ग के छात्रों पर परीक्षा शुल्क बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया था। बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था जिसके अनुसार सामान्य श्रेणी के छात्रों का परीक्षा शुल्क 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हालात देखने जा रहे हैं राहुल गांधी, एयरपोर्ट से ही भेजे जाएंगे वापस। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेता आज श्रीनगर जाने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर आई है कि प्रशासन ने विपक्षी दलों के नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट पर शहर में एंट्री की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है। इन सभी नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि नेताओं के दौर की खबर आने के बाद से ही प्रशासन ने अपील की थी कि वो फिलहाल श्रीनगर का दौरा ना करें। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, सावरकर का अपमान करने वालों को चौक पर पीटना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर की मूर्ति स्थापित को और उसका विरोध काम माला अब सियासी मुद्दा बन गया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर का अपमान करने वालों को सरेआम चौक पर पीटने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसा महान व्यक्ति के योगदान को मूल्य नहीं देते उन्हें पीटना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में रातों रात वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की मूर्ति स्थापित करने पर संघ समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी और कांग्रेस की छात्र शाखा यूएनएससी के बीच हाल ही में विवाद हो गया था। इस बीच वीर सावरकर की मूर्ति के चेहरे के ऊपर काली पोत दी गई थी। यूपी में समाजवादी पार्टी ने सभी कार्यकारिणी भंग की, नेता बोले नए जोश के साथ खड़ा करेंगे नया संगठन। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य जिला युवा प्रकोष्ठान समेत अन्य कार्यकारिणी भंग कर दी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य कार्यकारिणी भंग कर दी है। सभी जिला कार्यकारिणी, युवा इकाइयों और अन्य प्रकोष्ठानों को भी बंद कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष रमेश नारायण को हालांकि बरकरार रखा गया है। नेता ने बताया है कि नई कार्यकारिणी का गठन जल्द किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में सपा का खराब प्रदर्शन रहा था, पार्टी ने नए फैसले को जनता के बीच खोए हुए विश्वास को पुनः हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के बयान पर अब कांग्रेस नेता शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंधिया ने किया स्वागत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के कामों की तारीफ की और कहा कि हर वक्त खलनायक की तरह पेश करने से कुछ नहीं होगा। जयराम रमेश के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब कांग्रेस के दो अन्य नेता शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंधिया ने जयराम रमेश का समर्थन किया है। इन दोनों नेताओं का कहना है कि आलोचना व्यक्ति की नहीं बल्कि सरकार की नीतियों और गलती की होनी चाहिए। वरिष्ठ वकील सिंधिया ने रमेश का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत है और ऐसा करके विपक्ष एक तरफ से उनकी मदद ही कर रही है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जयराम रमेश ने दल से ऊपर उठकर के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है।
यूएई की धरती से 370 पर मोदी का प्रहार, कहा आतंकवाद का कारण था यह अनुच्छेद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत 4 दशक से सीमा पर आतंकवाद की मार झेल रहा है। भारत और यूएई का यह सामान्य हित है जो कि ताकतें मानवता के खिलाफ काम कर रही है और आतंकवाद को पनाह दे रही है और उन्हें अपनी नीतियां छोड़नी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खलीज टाइम के इंटरव्यू में कहा है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाए हैं यूएई ने उन्हें समझाया था और साझा सुरक्षा को लेकर के हमारा जबरदस्त सहयोग है।